दीदी जय श्री राम। जब भगवान को सामने से देख लिया हम लोग के लिए इतना देर वो रुके वही बहुत बड़ा बात था। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय मोदी। जय मोदी। जय मोदी। मोदी जी को बोले कि हम लोग का इंडिया का नाम है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। उन हमेशा उनकी सरकार रहेगी था और हमेशा इंडिया जो है मोदी जी की वजह से है और आने वाले समय में भी मोदी जी की ही सरकार बननी। रात के करीब 10 बजे से अधिक का समय हो गया और लोगों का हुजूम है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। करीब 5 बजे शाम से ही लोग पहुंचे थे और इनका उत्साह आप देख सकते हैं। आप लोगों ने देखिए, छोटी बच्ची भी यहाँ पर पहुंची। क्या कहेंगे बच्ची लेकर ठंड में डटे हुए? मतलब इतने देरों की मतलब इंतजार हम लोगों का सफल हुआ। मोदी जी मतलब इतने देर रुके हम लोगों के सामने, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे भी मोदी जी को आपने देखा? बोलो यस। बोलो मोदी जी को कैसा लगा? अच्छा। देखिए बच्चे को भी काफी इंतजार था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे। मोदी जी को देखा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? अच्छा। देखिए बच्चे बच्चों में जो है उत्साह देखा जा रहा है और तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ पे देखिए और भी कुछ बच्ची हैं। वो मोदी जी को देखा आपने? माइक दे रही है, माइक में बोलोगे? देखा। बोलो मोदी जी को। मोदी जी को जय श्री राम। देखिए मोदी जी को जय श्री राम। छोटी बच्ची भी बोल रही है और अपने आप में यह पल जो था तमाम लोगों के लिए काफी ऐतिहासिक था, गौरवान्वित करने वाला था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और तमाम लोग, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर आप लोगों का जो इंतजार था वो सफल हो गया। बहुत सुंदर। मोदी जी जय श्री राम। 6:30 बजे से हम लोग वेट कर रहे थे, हम लोग का सफल हो गया। सामने उम्मीद से ऊपर, उम्मीद से ज्यादा। इसका चांस नहीं था कि रुकेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी और तमाम जो महिलाएं घर का काम छोड़कर पहले प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। तमाम जो चौक चौराहों पर जो दोनों ओर लोगों की भीड़ थी, तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लोग जो है पुष्प वर्षा कर रहे थे। और आप नजारा देख लीजिए कि कैसा उत्साह तमाम लोगों में है, कैसा उत्साह इनमें देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो है वो झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। और जैसे जैसे एयरपोर्ट से निकले तो विभिन्न जो 10 स्पॉट बनाए गए वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत में लोगों का हुजूम देखा जा रहा था। और लोग शाम से देखिए तमाम जो युवा है वो किस तरह से क्या कहेंगे। सार्थक हो गया आपका रुकना। बात बहुत भारी लगता है जैसे भगवान को सामने से देख लिया हम लोग के लिए इतना देर वो रुके वही बहुत बड़ा बात था। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वो रुके वही बहुत बड़ा बात था, जैसे उनके चेहरे की जो चमक है वही देख के हमारा बस मन मोहित हो गया। मोदी जी को जय श्री राम। देखिए हर उम्र के जो लोग हैं वो पहुंचे और तमाम लोग उत्साहित है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर की बात करें सहजानंद चौक की हम, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी रुक गए, लोगों का अभिवादन कर क्या कहेंगे? एक ऐसा पल था लगा कि यू नो जीवन रुक गया। प्रधानमंत्री जी रुके और 2 मिनट रुके, सभी लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद गए। ये एकाधी पहुंच गया जहाँ प्रधानमंत्री जी रुके, हमारी खुशकिस्मती। रांची की जनता का आभार। तमाम लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है और देख सकते किस तरह से फूलों की वर्षा यहाँ पर हो रही है और तमाम लोग सुबह से ही यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए थे। और जैसे ही अगर बात करें दोपहर से तो लोगों की जो भीड़ थी वो, और देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत में जोहार कहने को लेकर लोग क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को, जोहार आप लोगों ने कहा? देखिए झारखंड की धरती में प्रधानमंत्री का हम स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। और तमाम झारखंड वासी आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता उनका स्वागत करती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। झारखंड के पावन धरती पर मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम लोग। बहुत है, देखिए हर लोग बधाई देने प्रधानमंत्री को पहुंचे थे, उनकी एक झलक पाने को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
और तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब गया तो लोगों की भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर किस तरह से लोग जो है वो शांति से खड़े होकर अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में झारखंडी नृत्य संगीत जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का प्यार देखकर खुद को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर निकले और तमाम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। और सिर्फ कुछ सेकंड नहीं, करीब एक मिनट से अधिक समय तक इस सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुककर लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तमाम लोगों में उत्साह था। और झारखंड के लिए यह काफी गौरवान्वित करने वाला पल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। और बता दें कि आज जैसे ही एयरपोर्ट से वह राजभवन के लिए प्रस्थान किए हैं, उस दौरान जगह जगह पर उनके स्वागत में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम दिखा है। और कुछ यहाँ पर बच्चे क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को देखा? प्रधानमंत्री मोदी जी को बोले कि हम लोग का इंडिया का नाम है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, उन हमेशा उनकी सरकार रहेगी था और हमेशा इंडिया जो है मोदी जी की वजह से है और आने वाले समय में भी मोदी जी की ही सरकार बननी चाहिए। जय श्री राम, जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी जी की जय। ये बच्चे बच्चे में उत्साह है और देश के लिए यह काफी अहम पल है, और खासकर झारखंड के लिए कि आदिवासी गौरव दिवस जो है, जनजातीय गौरव दिवस, वो भी 15 तारीख को है। झारखंड राज्य गठन 15 तारीख को, और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, और पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं जो उलिहातू जाएंगे और भगवान बिरसा मुंडा के वंशज से मुलाकात कर उनके हाल जानेंगे। और उसके बाद खूंटी से कई योजनाओं का जो है नींव रखेंगे, कई योजनाओं की सौगात देशवासियों को देने वाले हैं। तो द न्यूज पोस्ट से आप बने रहे, आपको तमाम अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े देते रहेंगे हम, चाहे वह उलिहातू के हो, खूंटी को, या रांची से, कि किस तरह से तमाम चीजें हैं और कि कहां कहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और क्या कुछ सौगात दे रहे हैं। द न्यूज पोस्ट के लिए रांची से सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट रांची।